इंसान की खोपड़ी में खाना खाना, ये सुनकर ही अजीब सा लगता है। अगर कोई आपको इंसान की खोपड़ी में खाना परोसे या पानी पिलाए तो इसे ग्रहण करने में आप जरूर हिचकिचाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कापालिक संप्रदाय के लोग इंसान की खोपड़ी में ही खाना खाते और पानी पीते हैं, क्योंकि ये लोग मानव खोपड़ियों के माध्यम से खाते पीते हैं, इसीलिए इन्हें कापालिक भी कहा जाता है। आइए बताते हैं आपको इसके बारे में, क्या है इसका रहस्य। प्राचीन समय में कापालिक साधना को विलास और वैभव का रूप मानकर कई साधक इसमें शामिल हुए। इस तरह इस मार्ग को भोग मार्ग का ही एक विकृत रूप बना दिया गया। मूल अर्थों में कापालिकों की चक्र साधना को भोग विलास और काम पिपासा शांत करने का साधन बना दिया गया। इस तरह इस मार्ग को घृणा भाव से देखा जाने लगा। जो सही अर्थों में कापालिक थे, उन्होंने अलग अलग होकर व्यक्तिगत साधनाएं शुरू कर दी। वहीं आदि शंकराचार्य ने कापालिक संप्रदाय में अनैतिक आचरण का विरोध किया, जिससे इस संप्रदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल के सीमावर्ती इलाके में और तिब्बत में चला गया। ये संप्रदाय तिब्बत में लगातार गतिशील रहा, जिससे कि बौद्ध कापालिक साधना के रूप में ये संप्रदाय जीवित रह सका। आपको बता दें कि कापालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चांडाली, चामुंडा, शिव और त्रिपुरा सुंदरी जैसे देवी देवताओं की साधना होती है। पहले के समय में मंत्र मात्र से मुख्य कापालिक साथी कापालिकों की काम शक्ति को न्यूनता और उद्वेग देते थे, जिससे योग्य मापदंड में ये साधना पूरी होती थी। इस तरह ये अद्भुत मार्ग लुप्त होते हुए भी गुप्त रूप से सुरक्षित है। वहीं विभिन्न तांत्रिकों मठों में आज भी गुप्त रूप से कापालिक अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं।